प्रणाम। आज हम ऐसे वृक्ष के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हिंदू धर्म में तो अति पवित्र वृक्ष माना गया है, लेकिन पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत ही बहुगुणीय ऐसा वृक्ष है, क्योंकि ये पर्यावरण में रहने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, हानिकारक ऐसे धूल कण या धुआं, ऐसे सारी चीज़ों को ये जल्दी शोषित करने वाला वृक्ष है और बाकी वृक्षों के प्रमाण में ये अधिक ऑक्सीजन भी देने वाला वृक्ष है। तो ऐसा ये वृक्ष जिसे हिंदी में मौलसरी कहते हैं, संस्कृत में केशव कहते हैं या हिंदी में इसको बकुल भी कहते हैं, और हाँ मराठी में इसको बकुल कहते हैं। इसकी पत्तियां अगर आप देखेंगे तो काफी चमकीली होती हैं, काफी नरम भी होती है, और ये सदा रहित रहने वाला वृक्ष आपको गृह वाटिकाओं में, सड़कों के आसपास काफी प्रमाण में देखने को मिलता है। ये जो वृक्ष है इसकी ऊंचाई 40 से 50 फीट तक ऊपर जाती है। फिर इसके फल हो, फूल हो, पत्तियां हो, इसकी छाल हो, ये सभी अंगों का आयुर्वेद में काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। और सबसे ज़्यादा विशेषता ये वृक्ष की अगर देखेंगे तो इसके पुष्प हैं। इसके पुष्प जो हैं, इसको तो स्वर्गों के पुष्पों में स्थान दिया गया है। ये इतना सुंदर सा, चित्त को आनंद देने वाला ऐसा मनमोहक, और जिसकी सुगंध हम मनुष्य को बहुत ही आकर्षित करती है, इसीलिए इसको एक आकर्षित वृक्ष भी कहा गया है। क्योंकि जब इसके फूल लगते हैं तो इसके फूल का जो रंग है वो पीतांब श्वेत वर्ण है, और उसका आकार देखेंगे तो ये ताराकार होते हैं, थोड़े से चक्र जैसा भी आकार रहता है इसका। तो ऐसे मन को हरने वाले, तो ये जब सूख जाते हैं फिर भी उसकी सुगंध वैसी की वैसी ही रहती है। इसके पुष्प का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो इसकी जैसी पत्तियां हैं और इसके पुष्प, ये दोनों ही इतने आकर्षित हैं और दोनों का इस्तेमाल आयुर्वेद में किया जाता है। जैसे पुष्प है वैसे फल है। जब फल लगते हैं इस पेड़ को तो इसके फल जब कच्चे होते हैं तब हरे होते हैं और थोड़े से गोलाकार रहते हैं। जब इसके फल पक जाते हैं तो वे हल्के नारंगी कलर के लदे हुए दिखते हैं वृक्ष पे। इसके फलों का आयुर्वेद में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसके फलों का सेवन करते हैं तो अगर आपको मस्तक के रोग हैं या शिरोवेदना का आपको हमेशा तकलीफ रहती है तो उसमें काफ़ी राहत मिलती है। काफ़ी लोग इसके फलों को सुखा के उसका चूर्ण बना के उसका नस्य भी लेते हैं ताकि शिरोवेदना में उसमें जल्दी राहत मिलती है, और ये काफ़ी लाभदायक भी है। जैसे फल है वैसे इसकी छाल, ये वृक्ष की अगर आप छाल देखेंगे तो ये सामान्य वृक्ष की तरह ही है, लेकिन इसकी छाल का विशेष गुण ये है कि अगर आप इसकी छाल को सुखाते हैं और वो छाल को सुखाने के बाद उसका अगर चूर्ण बनाते हैं और वो चूर्ण का अगर आप सेवन करते हैं या फिर कुला करते हैं, अगर आपको मुंह के रोग हैं या मसूड़ों में सूजन है या वृद्धावस्था में कभी कभी ऐसा होता है कि दांत ढीले पड़ जाते हैं, तो ऐसे में अगर आप ये मौलसरी के छाल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके मसूड़े भी स्वस्थ रहते हैं, और अगर आपके दांत थोड़े हिल रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बुखार आने पे, निमोनिया होने पे, मलेरिया होने पे कभी कभी हमारे दांत थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, तो ऐसे में अगर आप ये छाल का कुला करते हैं तो उसमें आपके दांत को व्रज जैसी मजबूती मिलती है, और इसके इस्तेमाल से आपके दांत काफ़ी चमकीले भी दिखने लगते हैं, क्योंकि जैसे इसकी पत्तियाँ चमकीली है वैसे ही इसके छाल का चूर्ण अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी दांतों पे एक विशेष चमक दिखने लगती है। लेकिन इसका सेवन करना ज़रूरी है, और ये सारे चीज़ों का सेवन करने के लिए आप
ज़रूर कोई अच्छे चिकित्सक की सलाह लें। जैसे छाल, फल, फूल का इस्तेमाल हम चूर्ण के लिए करते हैं, अगर ये तीनों चीज़ों का इस्तेमाल अगर आपको करना है तो इसको सुखाने के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि मौलसरी ये पित्त और कफ शामक है, ये दूसरा स्त्री रोगों में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। अगर गर्भाशय की शिथिलता है तो उसमें भी ये वृक्ष का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको मुंह के रोग हैं या फिर आपको बुखार है या फिर खांसी भी है, तो खांसी में भी अगर आप इसके चूर्ण का या इसके फूलों को सुखाने के बाद जो चूर्ण बनता है, इसको अगर आप रात भर पानी में भिगो के रखते हैं और दूसरे दिन उसका सेवन करते हैं, तो उससे आपकी खांसी भी कम होती है और बच्चों को भी इसका इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। काफ़ी लोगों को कब्ज़ की बीमारी होती है, तो ऐसे में जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कब्ज़ की बीमारी काफ़ी होती है, तो ऐसे में इसका सेवन कीजिए। अगर आपको अतिसार भी है तो ऐसे में भी ये वृक्ष का आप सेवन कर सकते हैं। फिर इसकी छाल हो, इसके फलों का चूर्ण हो या फिर फूलों का चूर्ण हो, ये सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल सेवन के लिए कर सकते हैं। जैसे छाल है वैसे इसके बीज भी हैं, इसके बीज का भी हम आयुर्वेद में उपयोग करते हैं। अगर बीजों का आप तेल निकालते हैं या छाल का भी काढ़ा बनाते हैं, उसका भी तेल निकालते हैं, तो उसको सूंघने के बाद आपको खांसी हो या कफ की बीमारी हो तो वो सारे में आपको राहत मिलती है। जैसे आयुर्वेद में इसकी विशेषताएं मैंने आपको बताई है, वैसे एक चीज़ ऐसी है कि धार्मिक ग्रंथों में, हमारे काफ़ी ऐसे पौराणिक कथाओं में भी ये कहा गया है, ये बकुल का वृक्ष यमुना किनारे भी था और हमारे भगवान श्री कृष्ण इसी वृक्ष के नीचे खड़े होके बांसुरी बहुत ही अच्छे से बजाते थे और उनकी बांसुरी बजाने के बाद जो गोपियाँ रहती थी उनका मनोरंजन करते थे। ऐसी काफ़ी कथाएँ हमारे धार्मिक ग्रंथों में हैं। ये बकुल वृक्ष को तो स्वर्ग के वृक्षों में स्थान दिया गया है, ऐसा बहुगुणी है ये वृक्ष। अगर आप अपने घरों में भी लगाते हैं तो जिन्हें वास्तु दोष का प्रश्न उपस्थित होता है तो वास्तु दोष में भी ये वृक्ष काफ़ी उपयुक्त है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में और आयुर्वेद में इसका काफ़ी अच्छे से वर्णन किया गया है। जैसे आयुर्वेद में इस्तेमाल होता है वैसे हम साधना नहीं भूल सकते। अगर आप बकुल के वृक्ष के नीचे बैठ के भी साधना करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये वृक्ष हमें काफ़ी ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है। तो आप ज़रूर 5 से 10 मिनट इसके नीचे बैठिए, साधना कीजिए और आपको ही पता चलेगा कि हम कितना स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन ये करने से होगा। और दूसरी चीज़ ये कि ये वृक्ष आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, आपके आसपास तो काफ़ी वृक्ष होंगे ही। जैसे हमने हमारे आश्रम में पूरा बकुल का वन किया है, तो अगर आपके आसपास नहीं भी मिल रहा है कहीं ये वृक्ष, तो आप यहाँ आश्रम में आइए, यहाँ पे आके आप बकुल के फूल देख सकते हैं, फल देख सकते हैं और वृक्ष के नीचे बैठ के भी साधना कर सकते हैं। और अगर आप आना भी चाहते हैं आश्रम में तो ओम स्वामी समर साधना केंद्र, जो तालुका श्रीवर्धन के नज़दीक ही है और जिला रायगढ़। तो आज हम यहीं ठहरते हैं बकुल वृक्ष पे। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे और एक अच्छे से वृक्ष के साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।